श्री राम, जय राम, जय जय राम। आज के राम कथा में रवलोक की स्वागत बा। कल बड़ा दिव्य प्रसंग चलत रहे कि राम जी वन में जातनी, आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लखन जी, बीच में सीता मैया बनी। जोना के वर्णन गोस्वामी जी कहले रही कि उभय बीच श्री सोहई कैसे, ये दोनों लोग के बीच में लक्ष्मी जी कैसे शोभा देतनी, जैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये ब्रह्म और जीव और बीच में माया हो, इस सृष्टि के सारा खेल यही तीन के बीच में बा, ब्रह्म जीव और माया। परमात्मा की माया और वही में जीव बा। तो लखन जी के जीव के रूप में यहां संबोधन कैल गइल बा। स्वयं प्रभु ब्रह्मवाणी सीता मैया के माया कहल गइल। तो माया के कई अर्थ होला। तो जोन करुणा के सागर हो कस, दया के सागर हो कस, उपरों के माया कहाला। तो ब्रह्म और जीव के बीच में संबंध बनाए वाला जो दया सागर बा, जो सिंधु बा, उस सीता जी वाली, लक्ष्मी जी वाली, यह माया है। तो दोनों के शोभा ऐसन बाय लोग के, तीनों लोग के, कि ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे श्री लक्ष्मी जी के शोभा के वर्णन कहनी, सरिता वन गिरी अवघट घाटा, सरिता वन उपवन जंगल अरण्य, अवघट घाटा नदी तालाब ओकर घाट, ये जितना प्रकृति के व्यवस्था बा। पति पहचानी देह बरबाटा, पति पहचान के मार्ग देता लोग, पति मतलब स्वामी, और ये पूरा प्रकृति के स्वामी, जीव के स्वामी, माया के स्वामी तो भगवान बनी। तो भगवान आयल बनी देख के सब मार्ग दे रहल वालो। जह जह जाही देव रघुराया, जहां जहां भगवान जातनी, करसी मेघ तह तह नभ छाया, जहां जहां धूप बा, जहां जहां घाम बा, मेघ बादल आके छाता जैसन छाया करता लोग जा। अपने से कि प्रभु आयल बनी तो हमार कर्तव्य बाकी छाया करी। मिला असुर विराध मग जाता, वही मार्ग में वही रास्ता में विराध नाम के वो राक्षस मिलल, आवत ही रघुवीर निपाता, आवत ही भगवान उनका के ठिकाना लगा देनी, ओकर अंत हो गई तुरंत ही रुचिर रूप तही पावा। तुरंत जोन उकरा रुचि रहे, जैसे रूप उकरा चाहत रहे, वैसन भगवान दे देनी मरला के बाद। देख दुखी नी जे धाम पठावा, ओकर दुख देख के भगवान बैकुंठ पहुंचा देनी वो विराध नाम के राक्षस के। फिर चलनी जहां सर्वंग मुनि रहत रही, वहां प्रभु पहुंचतनी। सुंदर अनुज जानकी संगा, लखन जी जानकी जी के साथ, और भगवान के दर्शन जब सर्वंग मुनि कहनी, देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन जन्म सरभंग। और कहतन के हे कृपालु, हे कृपा निधान, राउर कृपा भइल बा हमरा ऊपर, हम सुनले रही कि रुवा वन में आयल बनी, रुवा कुछ दिन यहां रही, रुवा के देखते ही हमार छाती जुड़ा गिल बा। आनंद से भाव विभोर बानी सर्वंग मुनि, कहतन के हे देव, रुवा हमरा पर कृपा कहले बानी, एहसान कहले बानी, हे भक्त मन चोर, ऐसन कह के हमार प्राण की रक्षा करी, ऐसन कहतनी सर्वंग मुनि, हे दीन दयाल कृपा करी, हमरा कोनो पूजा पाठ जो जग ना आवेला, कोनो ध्यान भजन ना आवेला, हम कैसनो तपस्या भी हमने की कहले, बस रउवे एगो आसरा रला, राउर दर्शन हो गई, हमार जीवन धन भइल,
जोन बात सरभंग मुनि कहतनी गोस्वामी जो कर वर्णन कनी जो जाग जाग तप व्रत कीना प्रभु कहते भगति सर्वंग कहतन की हे देव हमरा पर राउर कोनो एहसान नहीं के कृपा हमरा पर करी प्रभु और जब तक ये शरीर रहो तब तक रवा यहां रहे के बा हम जानतनी कि रवा जाए लेकिन प्रभु जोन जोग तप भइल हुई हमरा से सब हम रवा के समर्पित करतनी रवा भक्ति के वर हमरा के दी भक्ति के वरदान लेहनी और यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा ए तरह से चिता सजा लेनी मुनि सरभंग श्री राम जय राम हृदय में भगवान के दुर्लभ भक्ति सरभंग मुनि प्राप्त कैनी चिता रच के हृदय से सब आशक्ति छोड़ के बैठे हृदय छाड़ी सब संगा मुनि सरभंग हृदय से सब आशक्ति छोड़ देनी और असंग होके भगवान के भीतर बैठा लेनी एक चिता सजा के ऊपर बैठ गईनी गोस्वामी जी लिखतनी कि सीता सनुज समेत प्रभु नील जलद तनुश्याम मम हिय बसहु निरंतर सगन रूप श्री राम सर्वंग मुनि की यह गो कामना बा कि सीता और लखन जी समेत नील स्वरूप नील वर्ण के प्रभु सगुण रूप में साक्षात यही रूप में हमरा हृदय में रुवा हमेशा वास करी और इतना कहत चिता पर बैठ के योग अग्नि से आपन जीवन के लीला समाप्त के नी बाबा जी वर्णन करते नी हस कही जोग अग्नि तनु जारा हस कही जोग अग्नि तनु भगति बर लयाओ प्रथमा
अस कही जोग अग्नि तन जारा। अस का कहके ई कहके कि हे नील मेघ के समान शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, हे प्रभु, सीता जी और छोटे भाई लखन जी के सहित साक्षात रूप में हमरा हृदय में रहुआ हमेशा निवास करे। अस कही जोग अग्नि तन उजारा, ई कह के जोग अग्नि से अपना शरीर के समाप्त कर देनी। राम कृपा वैकुंठ सिधारा, राम जी की कृपा से वैकुंठ में पहुंचनी। ताते मुनिहरि लीन न भयो, जब भगवान के भक्ति कई जाला, साधना कई जाला, तो भगवान में भगत लीन हो जाला, भगवान और भगत एक हो जाला। लेकिन यहाँ अद्भुत भक्ति बा यहाँ के सर्वभंग मुनि के, कि वहां का आखिरी वरदान मंगनी, सब जप जोग तप सब विसर्जित करके हे प्रभु, हमरा के तो साकारे रूप में रुवा दर्शन देत रही, हृदय में विराजमान रही, हम रुवा से अलगे रही, लीन नहीं ना भैनी, एक ना भैनी। ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथम भेद भक्ति बर लयो, भेद भक्ति मंगनी। ऐसन भक्ति ना जो ना में भक्त भगवान एक हो जाओ, मंगनी मुनि सर्वंग भेद भक्ति की हम अलग रही और राउर दर्शन हम करत रही, राउर कृपा हमरा ऊपर बना रहो, हम एक ना हो कि ये भेद भक्ति। ऐसन भक्ति के वरदान मंगनी। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, आगे भगवान गईनी, मुनि वरविंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखी रघुनाथ। वो वन में भगवान आगे बढ़ा तनी, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान वन में विहार कर रहल बनी, भ्रमण कर रहल बनी, तब ही हड्डी के एगो ढेर लौकल, एगो पहाड़ लौकल, देख के बड़ा बेचैन भनी प्रभु। अस्ति समूह देखी रघुनाथा, पूछी मुनि ने लागी अति दाया, पूछनी मुनि लोग से कि हे मुनिवर, ये जो नहीं उज्जर उज्जर पहाड़ लोग कतई काथी के पहाड़ हा। मुनि लोग कहलक कि हे प्रभु, हे रघुवीर, हे राघवेंद्र, ये पहाड़ माटी ईटा पत्थर के ना हा, ये रावण के आतंक के पहचान हा, कि जितना ऋषि मुन जप जोग तप करे उनका के मार मार के वो हड्डी के ढेर लगा दे ले रावण, अपना राक्षसन के भेज के धरती पर बड़ा अशांति बा, देवता ऋषि मुनि केहू सुरक्षित नहीं के, वो लोग की हड्डी के ढेर ही लागल बा। देख के भगवान का बड़ा दया हिल, बड़ा दुखी बहनी कि इतना आतंक बढ़ गई बा कि ऋषि मुनि संत ब्राह्मण देवता केहू सुरक्षित नहीं खे। तो भगवान ने वो भुजा उठा के प्रतिज्ञा कहनी, वो स्वामी जी लिखनी कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, हम इस धरती के असुरन से राक्षसन से हीन कदम एकदम। भुजा उठा के भगवान प्रतिज्ञा कहनी, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुखरी, सब मुनि लोग के आश्रम में जा जाके प्रभु ये बात बतैनी, मन के शांति और सुख देनी कि चिंता मत करी, अब हम ये धरती के निश्चर हीन करे खतिर आग बनी। और प्रण कैला के बाद अगस्त मुनि के वो शिष्य रले सुतीक्षण, भगवान के भेंट उनका से होता। बाबा जी लिखन मुनि अगस्ती करसी सुजाना, मुनि अगस्ती करसी सुजाना, नाम सुति छन रति राम
सपने हुमान भरोस न देवक सपने हुमान भरोस न देवक मुनि अगस्ति कर भगवान भुजा उठा के प्रतिज्ञा कहनी प्रण कहनी हड्डी के ढेर देख के भगवान के हृदय व्याकुल हो गई कि ये धरती पर ऋषि मुनि संत केहू सुरक्षित नहीं के धर्म सुरक्षित नहीं के धरती व्याकुल बड़ी विलाप कर रहल बड़ी मुनि लोग के आश्रम में जा जाके प्रभु सुख देनी आगे गईनी तो अगस्त मुनि के एक परम भक्त शिष्य रहे सुतिक्ष मुनि उनका नाम सुतिक्ष रहे मन क्रम वचन से राम जी के पद के सेवक रहनी वहां का और सपने में दूसरा के भरोसा कभी ना रहे हमेशा राम भरोसे भगवान भरोसे तो भगवान भरोसे सुतिक्ष जी वानी प्रभु के दर्शन भइल प्रभु आगमनु श्रवण सुनी पावा भगवान आयल बनी जैसे सुन्नी सुतिक्ष्ण जी करत मनोरथ आतुर धावा मनोकामना पूर्ण हो गई ऐसन भाव छलकल आतुर होके दौड़नी वहां का हे विधि दीन बंधु रघुराया हे प्रभु हे दीन बंधु हे रघुनाथ मोह से सठ पर करिहि दया भगवान हमरा पर दया करिए हम तो छली बानी सठ बानी मूर्ख बानी नादान बानी सहित अनुज मुहि राम गुसाई लखन जी के साथ आयल बनी हमर राम गुसाई मिले ही निज सेवक किनाई का हमरो से मिले है अपना सेवन सेवक जैसन मोरे जिए भरोसे दृढ़ नाही हमरा भरोसा नहीं के प्रभु हमरा पर कृपा करे एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नान की बस भगवान के चरण पर भरोसा बा हमरा होई है सुपल आज मम लोचन हमार आंख आज सफल हो जाए प्रभु के दर्शन करके देखी बदन पंकज भव मोचन भव सागर से पार करे वाले भगवान के निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी ये सोच के मुनि मगन हो गए जैसे आदमी मस्त हो जाला एकदम सब दुनिया के सुध बुध भुला के मस्ती में चल जाता रे बाबा जी लिखनी देसी बंधन सूझा देसी बंधन सूझा वो मैं चले वो कहाँ नहीं वो सुतिक्ष्ण जी भक्ति में मग्न बनी आज की कथा ही जय विराम ली आई कुछ देर भगवान नाम की कीर्तन कर जाओ एकरा आगे कल ये कथा सुनावल जाई सीताराम कहो
राज राम कहो सीताराम कहो राज राम कहो सीताराम कहो राज राम कहो सीताराम कहो राज राम कहो सीताराम कहो कहो राजा राम कहो सीताराम कहो राजा राम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो राजा राम कहो राजा राम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो राजा राम कहो राजा राम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो राजा राम कहो सीताराम कहो राजा राम